हेलो गाइस, आई एम तमन्ना। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ केएफसी स्टाइल फ्राइड चिकन की रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके के साथ में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोगों के साथ में मैं ये शेयर करूँगी कि जब हम लोग कोटिंग करते हैं तो कोटिंग प्रॉपर क्यों नहीं होती, वो गिर क्यों जाती है, परफेक्ट टेस्ट क्यों नहीं आता है। चिकन अक्सर ऐसा होता है कि ऊपर से तो परफेक्ट कुक हो जाता है, बट अंदर से ना वो टेंडर नहीं होता है, परफेक्ट गलता नहीं है। तो यही सारी प्रॉब्लम क्यों आती हैं आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो गाइस, इसे मैं 3 स्टेप में आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। उसमें 3 स्टेप्स हैं जिन्हें आपने अच्छे से पूरा वीडियो देखने के बाद में इन सारी स्टेप्स को आप लोगों ने फॉलो किया ना, तो बस आपको मज़ा ही आ जाएगी। आपका चिकन आज के बाद ना कभी भी ख़राब नहीं होगा, परफेक्ट बनेगा, अच्छे से क्रिस्प आएंगे। तो आइए देख लेते हैं। मैंने ना ये चिकन के लेग्स लिए हैं और इनमें ना इस टाइप से कट के निशान लगा लिया है। तो चिकन लेने के बाद अच्छे से वॉश करना है और नाइफ़ की हेल्प से आप इसे अच्छे से कट के निशान कुछ इस टाइप से लगा लें, जिससे कि जो भी मैरिनेशन हम लोग करने वाले हैं वो अंदर तक परफेक्ट जाए। तो मैरिनेशन के लिए मैंने कुछ स्पाइसेस लिए हैं, जिसमें सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 स्पून नमक। हम लोग इसमें 3 स्टेप हैं जिसमें सभी में कुछ ना कुछ स्पाइसेस ऐड करने हैं, तो सारे स्पाइसेस को आप परफेक्ट देखें और कमी लें। इसी के साथ आपको इसमें 1 स्पून जिंजर पेस्ट एंड 1 स्पून गार्लिक पेस्ट लेना है, और ये लिया है मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर। तो ये बिल्कुल परफेक्ट पाउडर नहीं है, थोड़ा सा क्रश टाइप का है। और इसी के साथ में आपको 1 लेमन जूस इसमें ऐड कर देना है। तो लेमन आपको लेना है 1, मैंने मीडियम साइज़ का लेमन लिया था। अच्छे से इसका सारा जूस आपको इसके अंदर स्क्वीज़ कर देना है, और इसी के साथ में आपको इसमें ले लेना है, मैंने काली मिर्च का पाउडर ना 1 स्पून लिया है। आप ना इसी के साथ में पेपरिका पाउडर, आप सभी लोग जानते होंगे, नहीं मालूम तो आप किसी भी किराने की शॉप पर जाके वहाँ पर बोलेंगे तो आपको ईज़िली मिल जाएगा। तो आपको अच्छा, हाँ, अगर आपके पास में लेमन जूस कभी कभी ऐसा होता है इज़िली अवेलेबल नहीं होता, तो आप इसकी जगह पे ना वेनेगर भी ऐड कर सकते हैं 2 स्पून। और अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कश्मीरी रेड चिली पाउडर 1/2 स्पून। आपके पास में पेपरिका पाउडर है तो 1 टीस्पून ज़रूर इसमें ऐड करें। और अभी मैंने इसमें ना ऐड कर दिया है ये ऑर्गेनो ना अच्छे से 1 स्पून फुल आपको लेना है, और इन सारी चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। आपके पास में अगर अनियन पाउडर है ना, प्याज का पाउडर है, तो ज़रूर ऐड करें, उससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इन सारी चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से मिक्स करना है, परफेक्ट जो कट के निशान लगाए हैं ना उसके अंदर तक आपको ये सारे स्पाइसेस को मिक्स करना है कि अंदर तक चले जाएँ। तो बढ़िया से मिक्सिंग करने के बाद आप इसे ना 5 से 7 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख दें, या फिर आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग रखें और नाइट भी रख सकते हैं। जितना अच्छे से आप इसका मैरिनेशन करेंगे ना, उतना ज़्यादा इसका टेस्ट परफेक्ट आएगा। तो अभी मैंने एक बोल में इसे रख दिया है, मैं इसे फ्रिज में रख रही हूँ। अभी मैं ले रही हूँ एक, तो चलिए अभी बना लेते हैं अपनी सेकेंड कोटिंग। तो सेकेंड कोटिंग के लिए मैंने बोल लिया है, ये वही बोल है जिसमें कि हम लोगों ने मैरिनेशन किया था ना, उसमें मैं ये 2x ऐड कर रही हूँ। अच्छा, जिन लोगों को एक से प्रॉब्लम है ना, तो किस टाइप से केएफसी स्टाइल फ्राई चिकन बनाएं, उसमें मैंने एक का यूज़ नहीं किया है, बटर मिल्क का यूज़ किया है। तो अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार चैनल को ज़रूर विज़िट करें। और अभी मैंने इसमें 2x लिए हैं। इसी के साथ साथ आपको इसमें अच्छे से 1/2 स्पून से भी कम डाल देना है नमक। अच्छा, 1x लेने का रीज़न सिर्फ ये है कि चिकन की कोटिंग अच्छी सो, उसमें बाइंडिंग परफेक्ट आए, बस इसलिए लिया है। तो मैंने नमक ऐड कर दिया है, साथ ही साथ आपको ना 1 टीस्पून काली मिर्च का क्रश ऐड कर देना है और अच्छे से इसे ना मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग आप परफेक्ट करें, और बस अभी इसमें आपको ऐड कर देना है 1 स्पून मैदा। तो ये आप मेजरमेंट परफेक्ट देखते रहें कि मैंने कितना लिया है मैदा। 1 स्पून फुल मैंने मैदा ले लिया है। इसी के साथ में आपको 1/2 स्पून कॉर्नफ्लोर ले लेना है। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। अगेन बताना चाहूँगी कि जो एग्स लिए हैं, इसका रीज़न लेने का यही है कि चिकन की कोटिंग परफेक्ट हो, अच्छे से बाइंडिंग आए,
जिससे कि जब हम लोग कोट करें ना तो जो भी हमारी कोटिंग है ना वो गिरने नहीं पाए, परफेक्ट कोटिंग आए। और जिन लोगों को एक से प्रॉब्लम है, तो मैंने ना एक बटर मिल्क के साथ में भी KFC स्टाइल फ्राई चिकन की रेसिपी शेयर की। आपने नहीं देखा तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर विज़िट करें। तो चलिए अभी बना लेते हैं थर्ड कोटिंग। तो ये थर्ड स्टेप में हम लोग लेने वाले हैं 1 कप मैंने मैदा लिया है। मेजरमेंट से आप देखेंगे तो ये 200 ग्राम मैदा है। इसी के साथ में आपको 50 ग्राम ले लेना है कॉर्नफ्लोर, और इसी में आपको ऐड कर देना है नमक। तो नमक माइंड में ये रखते हुए आप ऐड करें कि इसके पहले भी हम लोगों ने 2 बार नमक का यूज़ किया है, तो नमक आपको इसमें थोड़ा ही लेना है। तो 1/2 स्पून नमक ले लें, और काली मिर्च का क्रश मैंने 1 टीस्पून लिया है। साथ ही साथ आप इसमें पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून ऐड कर दें, और आपको इसमें ऐड कर देना है गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, और साथ ही साथ आपको इसमें ड्राई जिंजर पाउडर भी 1 टीस्पून ऐड करना है। मैंने थोड़ा सा ना रेड चिली पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर लिया है, इससे ना कलर बहुत अच्छा आता है। आप लाइक करते हैं तो ऐड करें, अदरवाइज़ स्किप कर सकते हैं। तो ये मैंने जिंजर पाउडर इसमें ऐड कर दिया है, ड्राई जिंजर पाउडर मैंने 1 स्पून फुल लिया है, और ये लिया है मैंने 1/2 स्पून बेकिंग पाउडर। तो ये 1/2 स्पून बेकिंग पाउडर भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इन सभी चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है। अभी इसमें ना आपको थोड़ा सा, अगर आपके पास में गार्लिक पाउडर है तो ज़रूर ऐड करें, और नहीं हो तो फिर आप थोड़ा सा पेस्ट ऐड कर दें। और अभी आपको क्या करना है कि थोड़ा सा वाटर स्प्रिंकल करना है। अगर आप गार्लिक पाउडर ले रहे हैं तो थोड़ा सा वाटर स्प्रिंकल कर दें, और अगर आप गार्लिक पेस्ट ले रहे हैं तो फिर आपको इसमें वाटर स्प्रिंकल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गार्लिक जो पेस्ट लिया है ना उसमें हल्का सा मॉइस्चर तो है ही। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है। इसमें लम्ब्स बनाने के लिए ही सिर्फ वाटर स्प्रिंकल किया जाता है। तो जो गार्लिक हमने पेस्ट ऐड किया है ना उसमें मॉइस्चर था, तो उससे लम्ब्स ऑटोमेटिक बन जाएंगे। तो ये इसलिए किया जाता है जिससे कि अच्छे से क्रिस्प इसमें आए। तो ये देखिए, ये मैंने लिया है थोड़ी सी भुजिया ले ली है, और जो हमारे पास में अक्सर ऐसा होता है ना कि जो मूंगफली होती है ना बेसन वाली, वो बच जाती हैं, ये ख़त्म हो जाती हैं, तो नीचे उसमें उसका थोड़ा सा पाउडर टाइप का कुछ इस टाइप का ही बच जाता है, अगर आपके पास में ये हो तो ये ले लें, और ये आपके पास में कॉर्नफ्लैक्स हो तो वो ले लें। तो 2 में से जो भी चीज़ें आपके पास में ईज़िली अवेलेबल हों वो ले लें, और लेने के बाद में ये मैदे वाले बैटर में आपको क्रश करते हुए हैंड से मिला देना है। इससे ये होगा कि जो हमारे चिकन है ना ये परफेक्ट फ्राई तो हो गई होगा, इस पर एक अच्छे से क्रिस्प आ जाएंगे, एक क्रंचनेस आ जाएगी। तो इन 3 में से जो भी चीज़ें आपके पास में ईज़िली अवेलेबल हों वो आप मैदे के बैटर में डाल दें, मैदे में डाल के अच्छे से मिक्स कर दें। और जो लेग्स हैं ना, चिकन लेग्स हैं, इन्हें लेना है और अच्छे से कोट कर लेना है। अच्छा, कोटिंग आपको सबसे पहले ना क्या करना है कि ड्राई मिक्सर में कुछ, जो ड्राई मिक्सचर हमने लिया है ना उसमें आपको कोटिंग करना है। तो बस इस टाइप से डालना है, अच्छे से रोल करते हुए पूरे में परफेक्ट कोटिंग कर लेना है। फिर आपको ना उसे लेना है और हल्का सा डस्ट कर देना है। डस्ट करने के बाद जो ये एग वाली हमने बाइंडिंग बना के रखी थी ना उसमें इस लेग्स को इस टाइप से डालना है, और बढ़िया से चारों तरफ से घुमाते हुए कोट कर लेना है। तो इस तरह से करके देखिए, ये बढ़िया सी कोटिंग हो गई है। तो पूरे में परफेक्ट घुमाते हुए करें, और फिर वापस से हमें इसमें ड्राई मिक्सचर में डालना है, और फिर इसे अच्छे से घुमा लेना है। और घुमाने के बाद में ना आपको क्या करना है कि हल्का सा अपनी फिंगर्स की हेल्प से ना इस पर बहुत लाइटली सा प्रेशर देना है। तो कुछ इस टाइप से बस करते हुए हल्का हल्का सा आपको प्रेशर इसमें दे देना है। इधर मैंने ऑयल तो रख ही दिया है हीट होने के लिए, ऑयल अच्छे से हीट हो जाएगा तो फिर हमें ना फ्लेम को मीडियम टू लो कर देना है। तो ऑयल का टेम्परेचर हमें हाई नहीं रखना। तो ये देखिए, कुछ इस टाइप से आपको अच्छे से इसे थोड़ा सा ऐसे हिला देना है, डस्ट कर देना है, जो कि एक्स्ट्रा इसमें से मिक्सचर है ना वो सब रिमूव हो जाए, डस्ट हो जाए। इधर ऑयल हमारा परफेक्ट गर्म हो चुका है, तो हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे अच्छे से फ्राई करना है। तो टेम्परेचर का ज़रूर आप ध्यान रखें, टेम्परेचर हाई नहीं होना चाहिए। हाई फ्लेम पर अगर आपने इसे फ्राई कर दिया ना
तो क्या होगा कि ये ऊपर से तो परफेक्ट हो जाएगा बट अंदर से ना ये कच्चा रह जाएगा, परफेक्ट टेंडर नहीं होगा। अच्छा हाँ, इन सारे लेग पीसेस को आपको ऑयल में ऐड करने के बाद में इसे बार बार आपको चलाना नहीं है, इनकी साइडों को आपको चेंज नहीं करना है, बस इन्हें आपको इसमें डाल देना है और डालने के बाद में इसे कुछ देर के बाद ही इसकी साइड चेंज करनी है, 3 से 4 मिनट के बाद। टोटल टाइम इसमें 8 से 9 मिनट लगता है, हो सकता है कि 10 मिनट भी हो जाए। तो आपको क्या करना है कि 5 मिनट के बाद इसकी साइड को आपको चेंज कर देना है और फिर वापस से करना है। तो इस तरह से आपको 8 से 9 या 10 मिनट टोटल लगने वाले हैं। और एक बेस्ट ट्रिक देती हूँ जो आप लोगों के लिए आई होप कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो, और वो ट्रिक ये है कि जब ये परफेक्ट टेंडर हो जाए, कुक हो जाए, तो आपको लास्ट में ना 30 से 40 सेकेंड, गाइज याद रखिएगा मैं मिनट नहीं बोल रही हूँ, 30 से 40 सेकेंड के लिए आपको फ्लेम को हाई कर देना है और बस 30 से 40 सेकेंड आपको हाई फ्लेम पे इसे और फ्राई कर लेना है। इससे क्या होगा कि हमारे जो चिकन के पीसेज है ना, इसके ऊपर का जो कलर है ना, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा आ जाएगा, बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट कलर आ जाएगा। तो ये देखिए हमारा चिकन परफेक्ट टेंडर हो चुका है, कुछ हमें इसी टाइप का चाहिए चिकन। तो अभी आप इसका लुक, इसका टेक्सचर देख सकते हैं कितना बढ़िया सा आया है। तो ये देखिए हमारा KFC स्टाइल फ्राइड चिकन बनके रेडी हो गया है। अगेन कहना चाहूँगी कि मैंने इसमें कोटिंग के लिए एग्स का यूज़ किया है, जो लोग एग्स खाना पसंद नहीं करते हैं ना, तो वो मेरा वीडियो चेकआउट करें। मैंने बटर मिल्क के साथ भी KFC स्टाइल फ्राई चिकन की रेसिपी शेयर की है, आपने नहीं देखा तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को ज़रूर विज़िट करें। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है या कि नहीं, नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए, और कर लिया सो थैंक यू सो मच। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। तो गाइज़ आज की रेसिपी कैसी लगी, मैंने बिल्कुल KFC स्टाइल में इसे इसका प्रेजेंटेशन किया है, थोड़े से साथ में फ्राइज़ भी रख दिए हैं, हरी वाली चटनी है, थोड़ी सी प्याज के लच्छे कट करके रख दिए हैं। तो इस टाइप से आप भी बनाएं, एंजॉय करें, खाएं, फीडबैक मेरे साथ में शेयर करें। ओके, टिल देन बाय।